हेलो फ्रेंड्स, आपकी चिली होस्ट शिखा शर्मा एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली चिली एंटरटेनमेंट में। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच एक बहुत ही पॉपुलर शख्स हैं। जी हाँ, बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और मिसाल कायम कर रखी है उन्होंने। बहुत कुछ वो नया ला रही हैं अपने इवेंट्स के थ्रू भी और अपनी बुक लॉन्चिंग के थ्रू भी। अभी उन्होंने रिसेंटली एक क्लब को भी लॉन्च किया है। चलिए आइए, हम बात कर रहे हैं, आपको मिलवाते हैं मिसेज अंजू हांडा से। हेलो अंजू जी, वेलकम टू दिल्ली चिली। थैंक यू शिखा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हेयर। अंजू जी, अभी आपने एक क्लब की लॉन्चिंग की शी कनेक्ट्स, जिसमें आप इतना कुछ नया कर रही हैं, और लास्ट ईयर जो आपकी बुक लॉन्च हुई थी उसमें आपने इतने ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेनर्स को मौका दिया, आप क्या कुछ बताना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को इस बारे में? शिखा, सबसे पहले मैं अपनी बुक के बारे में बात करना चाहूँगी। मैंने लास्ट ईयर एक बुक लिखी थी, इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर जर्नी फ्रॉम कैन आई टू आई कैन। बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं एंड उनको जहाँ वो अपने आप को एस्टेब्लिश करती है तो वहाँ पहुँचने के लिए उनको बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत सारे मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और बहुत सारे लोगों का उनका सपोर्ट भी लेना पड़ता है और तब जाके वो अपने ब्रांड को या अपने प्रोफेशन को एस्टेब्लिश करती हैं। तो मैंने जब बहुत सारी वुमेन से बात करती थी तो मुझे लगा कि इन वुमेन की स्टोरीज़ को ज़रूर कहीं ना कहीं कंपाइल करके एक बुक बनानी चाहिए, ताकि वो बहुत सारी औरतें जो उस प्रोफेशन में आना चाहती हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, वो इंस्पायर हो जाएं उनकी स्ट्रगल को सुनकर। क्योंकि जब भी हम कुछ काम करना चाहते हैं तो कभी ना कभी हमारे दिल में ये डर सा बैठा रहता है कि पता नहीं हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम कोई ऐसी स्टोरी पढ़ते हैं किसी और की तो वहाँ से हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है और हम इंस्पायर हो जाते हैं कि नहीं, हम भी कर पाएंगे। तो उसी मेन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई रोट दिस बुक, इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर जर्नी फ्रॉम कैन आई टू आई कैन। और वो लास्ट ईयर जो थी लॉन्च हुई थी, फर्स्ट एडिशन उसका, जिसमें 19 वुमेन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की थी जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे दोबारा इंस्पायर किया कि मैं एक सेकेंड एडिशन लेके आऊँ। और अभी मेरी सेकेंड बुक लॉन्च हो रही है सेम नाम से, उसका सेकेंड एडिशन, और उसके अंदर अनदर 18 to 20 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी स्टोरीज़ को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, उनकी स्ट्रगल को हाईलाइट कर रही हूँ, और वो बिल्कुल नई एंटरप्रेन्योर्स हैं सारी की सारी। तो मेरा मेन फोकस यही है कि उस बुक के थ्रू मैं बहुत सारी और वुमेन को भी इंस्पायर करूँ। अंजू जी, आप बहुत ही अच्छा ये काम कर रही हैं कि अपनी बुक के थ्रू आप ऐसे वुमेन को मौका दे रही हैं। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगी, आपने जो अभी ग्रुप बनाया है रिसेंटली शी कनेक्ट्स, उससे काफ़ी सारी वुमेन बहुत इंस्पायर हो रही हैं। एक बहुत ही अच्छा नेटवर्किंग ग्रुप भी है वो एक तरह से। तो आप मेरे को बता रही थी जब हम बात कर रहे थे कि ये कुछ अलग ग्रुप है, इसमें आप क्या अलग कर रही हैं? देखो, शी कनेक्ट्स एज द नेम सजेस्ट, बेसिकली इट इज़ अ वुमेन ग्रुप। मेरा जो इसके अंदर विजन है, मेरा जो सोच है कि मैं एक एम्पावर्ड वूमेन हूँ, आप एक एम्पावर्ड वूमेन है, और चारों तरफ हम नज़र घुमाएं तो बहुत सारी एम्पावर्ड वूमेन है। एम्पावर्ड वूमेन मींस दे आर नॉलेजेबल, दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर क्रिएटिव, दे हैव सम, दे आर एंगेज इन सम प्रोफेशन और दी अदर। बट उसके अलावा बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं जो कि एम्पावर्ड नहीं है, वो कुछ करना चाहती हैं, वो उस स्टेज पे हैं जब जो जहाँ वो कुछ करना चाह रही हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा, गाइडेंस नहीं मिल रही, कोई उनको मेंटोर नहीं मिल रहा कि जो उनको बताए कि ये चीज़ कैसे करनी है। तो शी कनेक्ट्स इन दोनों तरह की वुमेन को कनेक्ट करेगा, वुमेन ऑफ सब्सटेंस जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, जो ऑलरेडी नॉलेजेबल हैं, जो ऑलरेडी किसी न किसी तरह से अपने प्रोफेशन में अपना नाम कमा चुकी हैं, और उनके थ्रू हम उन लोगों को इंस्पायर करेंगे, उन वुमेन को जो कुछ करना चाहती हैं। तो शी कनेक्ट्स जो है एज नेम सजेस्ट, ये उन दोनों तरह की वुमेन को आपस में कनेक्ट करेगा, और जो वुमेन ऑफ सब्सटेंस है सारी की सारी वो स्पीकर्स बनेंगी इस फोरम के अंदर। इस क्लब में मैं लोगों को मेंबर्स की तरह जोड़ रही हूँ, और हमारा जो फर्स्ट लॉन्च इवेंट है वो विवांता बाई ताज में हो रहा है 1 सितंबर को, और उसमें जो हमारे पैट्रन हैं वो श्री संदीप मरवा जी हैं, और बहुत सारे स्पीकर्स भी उसमें आ रहे हैं। प्रेरणा तनेजा हैं जो कि एक ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, देन रश्मि आनंद है जो कि अपनी एक बहुत अच्छी वुमेन के खिलाफ जो वायलेंस होता है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। इसके अलावा एक इंसिया हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं,
और इस तरह से कुछ और भी लोग हैं जो कि इस विनीत सिवल हैं जो कि अपनी एक एनजीओ चलाती हैं। तो ये सारे लोग जो हैं उस दिन अपने अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे और जितने लोग अटेंड करेंगे, जितनी वुमेन अटेंड करेंगी उनसे उनको बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, कहीं ना कहीं को नेटवर्किंग की बात करेंगे, कहीं ना कहीं की ये बात करेंगे कि हमें वो एक वुमेन एक दूसरी वुमेन को कैसे हेल्प कर सकती है। यू नो नॉर्मली आप देखोगे चारों तरफ से ये होता है कि आज कोई वुमेन आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं दूसरी वुमेन में जेलसी भी आता है, लेकिन मैं इस चीज़ को पूरा तरह से ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ एक वुमेन ही एक वुमेन को उठाने के लिए उसका रिस्पॉन्सिबल हो, और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। मैं आज एम्पावर्ड वुमेन हूँ, और अगर कोई मेरे पास आता है हेल्प के लिए आई विल फील मोर देन हैप्पी कि मैं उसकी भी मदद करूँ। तो मैं इस तरह की एक इंस्पिरेशन सब में डालना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि इफ़ यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग सो दैट इज़ द एंड, यू कैन मोटिवेट मैनी मोर पीपल टू अचीव एंड दैट काइंड द हैप्पीनेस व्हेन यू विल गेट डूइंग दैट दैट विल बी टोटली डिफरेंट। आई थिंक यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड, यू विल फील वेरी यू नो कंटेंट कि मैंने एक दूसरी महिला की मदद की या दूसरी वुमेन की मदद की। सो शी कनेक्ट इज़ गोइंग टू कनेक्ट मैनी वुमेन, और ऐसा नहीं है कि जो वुमेन ऑफ सब्सटेंस है या जो ऑलरेडी एम्पावर्ड वुमेन है उनको इससे फ़ायदा नहीं होगा, वो बहुत सारी और अपने तरह की वुमेन से मिलेंगी और उनका भी बहुत सारा नेटवर्किंग होगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वो अपने अपने जो प्रोफेशन की जितनी भी चीज़ें हैं एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकती हैं, एक दूसरे से कस्टमर्स बन सकती हैं या एक दूसरे को सजेशंस दे सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको भी फ़ायदा नहीं होगा, उनको भी फ़ायदा बहुत सारा फ़ायदा होगा इसके थ्रू। अंजू जी, ये तो आपने बहुत ही अमेजिंग बात बोली कि एक वुमेन ही वुमेन को बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाना आप तो बहुत बढ़ा रही हैं। आप जैसे लोग आज भी हैं जो एक वुमेन ही वुमेन को बढ़ा रही है, जेलसी नहीं है, और कितना एम्पावरमेंट आप वुमेन को दे रही हैं, कितना प्लेटफॉर्म दे रही हैं आप सबके लिए, जो सब मेहनत कर रही हैं तो सबकी लाइमलाइट में और सबकी नॉलेज में उनकी अचीवमेंट्स और जो कर रही हैं सबके उसमें आए। अच्छा, यू आर एन चेयरमैन फॉर ग्रीन्स इवेंट ऑल्सो, तो उसके लिए भी आप क्या बताना चाहेंगे? अभी क्या आप इवेंट्स अपने ग्रीन्स इवेंट्स के अंदर कुछ नया ला रही हैं क्या? ये जो शी कनेक्ट्स मेरा प्लेटफॉर्म भी है, ये भी ग्रीन्स का ही एक इनिशिएटिव है। ग्रीन्स मेरी कंपनी है इवेंट मैनेजमेंट की, जो मैं पिछले 25 साल से चला रही हूँ। दैट इज़ माय प्रोफेशनल कंपनी जिसके थ्रू मतलब हम लोग प्री स्कूल्स के और दूसरों के इवेंट्स करते हैं, एंड दैट इज़ माय प्रोफेशन। बट जो ये शी कनेक्ट्स आ रहा है ये भी हमारा इसी बैनर के अंडर, ग्रीन्स के बैनर के अंडर ये एक उसका इनिशिएटिव है। और हम शी कनेक्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे चीज़ें करेंगे, जैसे सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, टॉक शोज हैं, अवार्ड फंक्शंस हैं, या फेलिसिटेशंस हैं। हम वुमेन, जो वुमेन बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं, हम उनको भी फेलिसिटेट करेंगे, उनको भी एक किसी न किसी तरह से उनको मान सम्मान पूरा देंगे, और बहुत सारे लोगों को और इनवाइट करेंगे इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल हैं और चाहेंगे कि वो आएँ इस प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपके दिल्ली चिल्ली के थ्रू भी मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि और वुमेन जो इस प्रोग्राम को देखें तो वो ज़रूर मेरे से कॉन्टैक्ट करें और इस प्लेटफॉर्म में आएँ, क्योंकि कोई भी कम नहीं है। हर वुमेन आर इन बॉर्न, उनके अंदर एक बहुत पोटेंशियल होता है। व्हेन आई स्टार्टेड माय कैरियर आई वाज अ हाउसवाइफ, आई वाज अ होममेकर, सो आई केम इनटू दिस प्रोफेशन जस्ट लाइक दैट। सो आई थिंक तब मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर पोटेंशियल है। सो एवरी वुमेन, वेदर शी इज़ अ हाउस वाइफ, वेदर शी इज़ अ एंटरप्रेन्योर, वेदर शी इज़ अ वर्किंग इन ए कॉर्पोरेट, वेदर शी इज़ वर्किंग इन एनी कंपनी, एवरी वुमेन इज़ हैव इननेट पोटेंशियल। ज़रूरत है एक मौका मिलने की, उसको बाहर लाने की, और आई थिंक शी कनेक्ट्स ये मौका उनको ज़रूर देगा कि वो दूसरों को देखें और अपने आप को इंस्पायर हों। और अगर उनको सबसे इम्पॉर्टेंट बात सीखा इसमें ये है कि मैं उन लोगों को इमोशनल, फाइनेंशियल और हर तरह की सपोर्ट देने को तैयार हूँ। यू नो ऑल दो ये प्लेटफॉर्म अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। वो कैसे शेप अप होगा, मैंने कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं की है कि मैं इसको ऐसे करूँगी। आई थिंक जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। लोगों के मतलब शी कनेक्ट्स का एवरी मेम्बर जो है वो एक इसका एक ऑनर टाइप होगा। ये नहीं होगा कि शी कनेक्ट के ऑनर मैं हूँ और मैं ही सब कुछ तय कर रही हूँ। आई विल टेक सजेशन। आई थिंक एक दिमाग जब सोचता है तो वो कुछ ही चीज़ें सोच सकता है, जब इतने सारी औरतें मिलके सब कुछ सोचेंगी तो बहुत सारे आइडियाज़ निकल के आएंगे।
अंजू जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि जैसे ही मंजिलें मिलती जाएंगी कारवां बढ़ता बढ़ता जाएगा। जाएगा, बिल्कुल। और अच्छा, अभी जैसे कि आप इतना कुछ कर रही हैं, आपने बोला कि आप हाउस वाइफ थी, तब आपको ये सब करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? आई थिंक इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिलती है, समवेयर आई फील कि मैं, दिस इज़ माई पेरेंट्स ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद है जो मुझे सेल्फ मोटिवेट करता है, मेरे अंदर से ही मुझे मोटिवेशन आता है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे तब मिलता है जब लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। आई थिंक लोगों की बहुत बड़ा विश्वास है, जितनी वुमेन इस शी कनेक्ट से जुड़ी जुड़ी हैं या एज ए अंजू आंडा मेरे साथ जुड़ी हैं, दे ट्रस्ट मी लाइक एनीथिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इतना अप्रिशिएट करती हैं, हमेशा ये बोलती हैं कि अंजू जी आप कैसे इतना सब कुछ कर लेते हो, कि आप, मीहू भी एक मेरा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं काउंसलिंग वर्कशॉप्स वगैरह करती हूँ, और शॉपिंग बैग है मेरा जिसके थ्रू मैं फंड जनरेट करती हूँ एनजीओज के लिए, जो मेरी एक छोटा सा ग्रुप है टचिंग लाइफ, देन ग्रीन्स है, ग्रीन्स पार्टी प्लानर है, देन शी कनेक्ट्स हैं। तो सबको लगता है कि आप इतना कुछ कैसे करती हो, तो जब वो मुझे ये इतना अप्रिशिएशन देते हैं और बहुत सारे जब मुझे फेलिसिटेशन या अवार्ड्स मिलते हैं, आई थिंक वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, कि मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। जब मुझे कोई प्रेज़ करता है या मुझे कोई एक्नॉलेज करता है, तो मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, मुझे अब और अच्छा काम करना है, मुझे और आगे जाना है, और उन लोगों के विश्वास को बिल्कुल खरा उतारना है अपने उसके ऊपर। मतलब उनको ये नहीं लगे कि हमने इन पर विश्वास किया और इनका तो प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी मेरे लिए चीज़ होती है जो मुझे इंस्पायर करती है, सबका मेरे ऊपर विश्वास। ये बहुत बड़ी अंजू जी ने बात बोली कि सबका विश्वास होता है तो चीज़ें अपने आप यस ही बहुत कंफर्टेबल हो जाती हैं आपस में यस करना। अच्छा अंजू जी, आप आज दिल्ली चली पे स्पेशली आप आई हैं, इतना अपने प्रिशियस टाइम निकाल कर, और कोई ऐसा मैसेज जो लोग आपसे, मतलब मैं तो आपको सब गुजारिश करूंगी कि अंजू जी के शी कनेक्ट से आप जुड़िए। ये भी इनकी जल्दी ही सितंबर में एक बुक लॉन्चिंग होने वाली है, उसके साथ भी आप फॉर एनी क्वेरीज और फर्दर इन्फॉर्मेशन अंजू हांडा जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर फिर भी मैं चाहूँगी आप कोई और स्पेशल मैसेज हमारे माध्यम से, हमारे मीडियम से देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, तो यू आर मोस्ट वेलकम। व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि शी कनेक्ट्स एक बहुत ही सोची विचारी हुई एक मेरी मन की उपज है जिसको मैंने लेके आई हूँ, और मैं चाहती हूँ बहुत सारी वुमेन जो कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती मतलब अगर प्रोफेशनली वो कुछ भी नहीं करती, तो वो इससे जुड़े और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, एक कॉन्फिडेंस आएगा, नॉलेज मिलेगा, किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट चाहिए उनको, डर लगता है कुछ काम करने से या उनको नॉलेज नहीं है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम करेंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारी एम्पावर्ड वुमेन जुड़ी हैं। और मेरा जो फर्स्ट इवेंट हो रहा है, जो लॉन्च इवेंट हो रहा है, उसका नाम भी है एम्पावर्ड टू एम्पावर, मतलब कि जो एम्पावर्ड वुमेन है वो एम्पावर करेंगी उन लोगों को जिनको एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर जुड़िए इस प्लेटफॉर्म के साथ, अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको जहाँ तक हो सके पूरी हेल्प करूँगी, और इस प्लेटफॉर्म को एक रेवोल्यूशन बनाइए और इसको और से और आगे लेके जाइए। थैंक यू सो मच अंजू हांडा जी हमारे शो पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। ऐसे हमारे साथ आप बने रहिए और लोगों को इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू सो मच शिखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आपके दिल्ली चिल्ली के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं इतने सारे लोगों से कनेक्ट हो जाऊँगी, इतनी सारी शी कनेक्ट्स मेरे साथ जुड़ेंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।